Hi all, this is Sameer and once again welcome back to my channel. So I have someone very special with me, जिसका introduction वो खुद ही देंगे. So please go on. Hello everyone, I am Apoorv and I am from India. I am studying medicine and surgery at University of Turin. And I arrived in Turin on 12th of November and it has been around 45-50 days now. So yeah, I am here. Okay, so first of all, thank you so much Apoorv for giving us your time अपने बारे में बताने के लिए and to share all your experience. तो जैसे कि Apoorv ने कहा, he is here to study medicine surgery University of Turin. तो हम try करेंगे throughout this video to understand why you selected this university, आपने इटली क्यों select किया, then all the processes that you have been through, exams जो IMAT है जिसके बारे में लोगों को बहुत question होता है, visa के बारे में, and then जो तुम्हारे initial struggles यहाँ रहे हैं या जो भी problems हैं throughout. वो सबको डिस्कस करेंगे हम इस वाले वीडियो में. थोड़ा सा ऑडियो अगर ऊपर नीचे होगा, सो बिकॉज हम लोग माइक नहीं यूज कर रहे, सो थोड़ा सा ऑफ हो सकता है, बट आई ट्राई टू मेक इट बेटर इन पोस्ट. और एक ये भी कैमरा यूज कर रहे हैं जस्ट टू रिकॉर्ड ऑडियो, सो आई होप इट टर्न्स आउट गुड. एंड फिर जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने का, या Apoorv भी आपको बताएगा वो कैसे आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकता है बाद में. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. सो Apoorv, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay. Sure. So Apoorv, सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, सो व्हाई इटली? मतलब इतने सारे दुनिया में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, बट ऐसा क्यों, इटली में क्यों? एक्चुअली काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स वर देयर दैट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन. ओके, सो सबसे पहले तो ये था कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए थी मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जिसमें इंग्लिश कोर्स हो. ओके, तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी मेडिसिन एंड सर्जरी की कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में जैसे स्पेन, जर्मनी और इटली भी. पर जैसे मैंने बाकी दो कंट्रीज के जो नाम लिए, उन सारे कंट्रीज में इंग्लिश कोर्स नहीं है. ओके, तो एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है. यहाँ इटली में भी 3-4 साल पहले तक तो इंग्लिश कोर्स नहीं थे. अब यहाँ पे जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की जो मेडिसिन एंड सर्जरी की फैकल्टी है वो टॉप 300 में है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड. तो दैट्स रियली गुड. और ये इससे बेटर कॉलेज इन वो उस रैंक से बेटर रैंक इंडिया में सिर्फ 7-8 यूनिवर्सिटीज के हैं. तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो इन्फ्लुएंस किया. दूसरा, इनफैक्ट मैं रोकूंगा, इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट. इनफैक्ट इवन इफ यू स्टडी अ लॉट, प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपको शायद मार्क्स भी आ जाएंगे बट रैंक आपका बहुत नीचे होगा. बिल्कुल. उसके बाद एक बात, जब ये पता चल गया कि इटली में मेडिसिन एंड सर्जरी है इंग्लिश में, तो फिर यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस, 15 यूनिवर्सिटीज थे चूज करना था. तो फिर मैंने यूनिवर्सिटीज देखना स्टार्ट किए और मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जिसका कट ऑफ भी मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो. तो यहाँ पे जैसे मिलानो है और फिर पाविया है, सैपियंजा रोम में, टॉर वर्जाटा, इन सारी यूनिवर्सिटीज, ट्यूरिन भी, ये सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं. मैं मेरे ओपिनियन में ये यूनिवर्सिटीज मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए इटली में वन ऑफ द बेस्ट. पर बाकी सब में जब मैं ट्यूरिन के साथ कंपेरिजन कर रहा था, ओवरऑल सबको सब सारा कंपेरिजन करने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स इसमें भी, जैसे किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट है, कौन सी सिटी कैसी है, क्योंकि मेडिसिन में एक चीज जो इन्फ्लुएंस करती है इसके स्टडी को, सिटी की पॉपुलेशन अगर कम रहेगी तो फिर आपको हॉस्पिटल्स में पेशेंट इन्फ्लो नहीं रहेगा ज्यादा. तो और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अगर पेशेंट्स नहीं रहेंगे तो फिर वो पर स्टूडेंट, वो जो पेशेंट एनालाइज करने का, वो जो क्लर्कशिप में जो एक्सपीरियंस कम मिलेगा. और तो मुझे एक ऐसा सिटी भी चाहिए था जिसकी पॉपुलेशन बहुत सही हो. तो उस हिसाब से ट्यूरिन 4th most populous city है इटली में. तो ये एक फैक्टर, यहाँ पे 32 सीट्स हैं नॉन ईयू के लिए, वो एक फैक्टर. और ट्यूरिन ओवरऑल बहुत ही सही, बहुत अच्छी सिटी है, ये बहुत अच्छे वाइब्स आए मुझे इससे जब मैं फोटोज भी देख रहा था. तो इससे भी और बस यही सब. तो अब उन्हें प्रोसेस बताया, क्या क्या स्टेप्स लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए? स्टार्टिंग में तो मतलब जब मैं पहले एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ट्यूरिन चूज करना है, तो उसके बाद प्री इनरोलमेंट अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल कह रहा हूँ.
तो मैंने सबसे पहले प्री इनरोल किया. सो स्टेप वन इज प्री इनरोल में. प्री इनरोल में ओके. सबसे पहले आपको प्री इनरोल करना होता है. उसके बाद आपने प्री इनरोल करते टाइम यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी. ओके. वंस यू हैव सेलेक्टेड द यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू अपलोड लाइक योर 12th मार्क्सशीट एंड इफ यू हैव अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट देन यू कैन अपलोड इट ऑन यूनिवर्सिटैली इटसेल्फ. एंड वंस यू हैव डन इट तो फिर उसके बाद फिर आपको IMAT के लिए रजिस्टर करना पड़ता है जुलाई में. Okay. जुलाई में. हाँ यस yes, जुलाई में रजिस्टर किया था 4th of July आई गेस इस ईयर. तो एक बार IMAT के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया तो कुछ यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी रजिस्टर करना होता है. ओके. तो पहले तो ऐसा था ड्यूरिन में कि हमें रजिस्टर नहीं करना था ऐसा बताया गया था. पर फिर इस साल उन्होंने अपडेट किया ये कि आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा. तो हमारे पास मेल आया था कि ये डेडलाइन है इससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए पोर्टल में. तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर किया. उसके बाद 13 सितंबर को IMAT था. ओके. इंडिया में सेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है. अच्छा तुम्हारा कहाँ था? अब मेरा दुबई में. तुमने दुबई जाके दिया एग्जाम? एग्जाम मुझे दुबई में, क्योंकि इंडिया में सेंटर्स आपको 5 मिनट के अंदर सारे सीट्स बुक्ड हो जाते हैं. अच्छा. बहुत लिमिटेड है, 60-70 सीट्स ही है शायद इंडिया में. दिल्ली में एक ही सेंटर पड़ता है बस. एक ही ब्रिटिश काउंसिल का है बारकंबा के पास. तो बस वही, तो सेंटर्स मिलना बहुत मुश्किल है. तुम दुबई तुमने फ्लाई किया और वहाँ जाके तुमने एग्जाम दिया? मैं दुबई गया वहाँ जाके एग्जाम दिया 13 सितंबर को. उसके बाद थोड़ा घूमा, उसके बाद वापस 14th अक्टूबर को रिजल्ट आया. अच्छा. तो फिर मैं मतलब मुझे मैं पहले से काफी कॉन्फिडेंट था कि इतना तो स्कोर हो ही जाएगा कि यूनिवर्सिटी में घुस जाऊंगा. अब कितना आता है वो देखते हैं. अच्छा. तो फिर रिजल्ट आया, अच्छा स्कोर आया, 57.9 आया था मेरा. यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 50.1. ओके. ट्यूरिन में जितने स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उसमें 9th रैंक था मेरा. तो अमेजिंग, कांग्रेट्स. थैंक यू सो मच. तो एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको फीस का पहला इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है. ओके. वो डेडलाइंस रहती है 3 दिन के अंदर. ओके. तो वंस यू हैव डन दैट यू विल गेट योर एडमिशन लेटर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा. एक बार वीजा के लिए अप्लाई किया, फिर इंटरव्यू होता है, फिर वीजा आ गया मेरा 7th of November को. ओके. और मैं 11th of November को वहां से निकल गया और 12th को यहां आ गया. और ओके सो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे. सबसे पहले तुमने कहा कि जब तुम अप्लाई कर रहे थे तब तुम्हें 12th की मार्कशीट डालनी पड़ी, तो तुम ऑलरेडी 12th तुमने कर लिया था, तो तुम्हारे पास मार्कशीट थी. बिल्कुल. बट जो स्टूडेंट जिनके पास जो अभी 12th देने वाले हैं तो उनके पास तो अप्रैल में मार्कशीट नहीं होगी. नहीं. तो फिर वो प्री इनरोल कैसे करेंगे? उन्हें मतलब एक मार्कशीट होता है, जैसे आपके जो प्री बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं उस बेसिस पे वो लोग एक मार्कशीट बना देते हैं. अच्छा, स्कूल वाले. ओके. मुझे एग्जैक्ट टर्म तो नहीं पता है पर ये ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ 12th वाले बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे थे IMAT के, तो उन्होंने ये किया था. ओके. तो ये प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं उस बेसिस पर प्रोविजनल मार्कशीट होता है. प्रोविजनल मार्कशीट. प्रोविजनल मार्कशीट वो स्कूल से बनवाते हैं एंड देन दे कैन अपलोड ऑन यूनिवर्सिटी. और साथ में आई थिंक वो स्कूल से ये भी लिखवा सकते हैं दैट देयर कोर्स वाज इंटायरली, जो भी उनका स्टडीज है वो इंटायरली हेल्ड इन इंग्लिश है. इंग्लिश है. एज अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी काम आ जाता है. हाँ बिल्कुल. एग्जैक्टली. बिल्कुल. एंड ओके नाउ क्वेश्चन आई थिंक यही. पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ट्यूरिन हर स्कूल में ये नेसेसरी नहीं है. ओके. पर यहाँ पे ट्यूरिन में इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, जैसे इंडिया इज नॉट ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. एग्जैक्टली. तो वहाँ के लिए आपको 12th की मार्कशीट एज अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट काम नहीं करेगी. अच्छा, नहीं करेगी. ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर आने के बाद भले ही आने तक आपको IELTS ना लगे, पर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट Duolingo IELTS कुछ वैसा देना पड़ेगा. ओके. तभी आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट है मेडिकल लैंग्वेज, उसकी एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर वो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे. ओके. तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये शायद एडमिशन के टाइम में नहीं रिक्वायर्ड है बट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है. सो IELTS देना डिफिकल्ट था या मेरा एक्सपीरियंस बहुत इजी था IELTS के साथ, क्योंकि मेरे साथ हो सकता है जो मेरे फेवर में रहा वो क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा. क्योंकि IELTS के लिए मैंने सिर्फ 4 दिन प्रिपेयर किए और मैंने YouTube पे वीडियोस देखे, और फिर वो जब आप IELTS के लिए रजिस्टर करते हैं तो वो लोग एक बुकलेट भेजते हैं आपको कुरियर से, तो उस बुकलेट में मॉक्स रहते हैं. तो वो मॉक्स सॉल्व किए और मेरे 8.0 बैंड्स आ गए.
तो ये मेरे लिए, ये आईएल्ट्स वाला मैं पहले बहुत स्ट्रेस था, पर बाद में जब मैंने आईएल्ट्स दे दिया तो फिर मुझे पता चल गया था कि ये भी अच्छा ही आएगा, ये भी अच्छा ही आएगा. ओके, सो दैट्स क्वाइट नाइस. अब थोड़ा फोकस करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग को इश्यूज़ होते हैं. मैं इसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँगा वहाँ पे, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो करेंट एम्बेसी का रूल है, दैट्स अबाउट 6,000 यूरोस पर ईयर आपको दिखाना होता है. बिल्कुल. दैट फॉर 6 इयर्स राउंड्स टू अबाउट 36,000 यूरोस, तो ये काफ़ी बड़ा सम है. हाँ. सो डिड यू शो एक्चुअली 36 और आपने यह कुछ कम दिखाया? मैंने 36 से थोड़ा कम दिखाया था. okay. मेरे अराउंड 34-33,000 यूरोस okay. हो रहे होंगे. जैसे मेरे फादर और मदर दोनों के ही ITR returns, दोनों के ही एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो भी डाल दिया था. और फिर जो मेरे फादर का फैमिली बिजनेस है, तो वो बिजनेस का जो सर्टिफिकेट है एक तरीके से, ड्रग लाइसेंस वो भी डाल दिया था मैंने. तो ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आई गेस वो लोग कॉम्प्रोमाइज किए उस मैटर. सो बेसिकली योर गोल वाज टू, उनको क्या कहते हैं, कन्विंस करना दैट यू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट जो तुमको 6 ईयर तक वो सस्टेन कर लेगा. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम. योर फैमिली इज सेल्फ सफिशिएंट टू फंड योर एजुकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. ये मैंने आपको पहले भी कहा दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा का पूरा सम दिखाओ, बट इन सम वे आपके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, आपके FD के थ्रू, आपके प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू, आपके माई बाबा के एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सबके थ्रू, सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यू शुड बी एबल टू कन्विंस जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफिसर होगा वीजा के लिए कि दैट दिस पर्सन कैन विल बी एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ फॉर 6 इयर्स इन इटली. ये बहुत जरूरी है. इसीलिए अपना ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पक्का रखना. बिल्कुल. और क्या कहते हैं, कोई वीजा इंटरव्यू हुआ था? हाँ, मैंने, जैसे मैं वीजा प्रोसेस बता दूं एक बार, मेरा जो टाइमलाइन था वीजा का, मैंने 26 अक्टूबर को अप्लाई किया वीजा के लिए. तो 3 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हो गया. तो इंटरव्यू वॉज वेरी सिंपल. इट वॉज जस्ट अराउंड 4 and 4.5 minutes, समथिंग लाइक दैट. इंटरव्यू में उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की है, क्या पढ़ने जा रहे हो, और फिर तुमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, और आगे के क्या प्लान्स हैं. ओके. और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था या किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी पूछ सकते हैं.